गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंदु श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज मैं आपको किसी भी डिजीज या रोग संबंधित बात नहीं बताऊंगा। आज आप वीडियो पूरी ध्यान से शुरू से अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स, अपने ऑडियंस से बहुत जरूरी बात कह रहा हूं और अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूं मैं आप लोग से। तो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो देख के जाएं शुरू से एंड तक, जिससे मेरी बात आप लोग तक पहुंच सके। मैंने कुछ हॉस्पिटल्स में या कहीं बाहर भी नोटिस किया है कि कुछ लोग, जैसे मान लीजिए जो बहुत जरूरतमंद लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं और जिनके पास खाने तक को पैसे नहीं है, इलाज तक के लिए पैसे नहीं है, उन लोग की मदद यदि कोई भी आदमी, जो सक्षम आदमी करता है, तो उसका उसकी इतना उसके साथ उसकी फोटो खींचता है, इतनी वीडियोस बनाता है, उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना उस वीडियोस को वायरल कर देता है, इतनी फोटोज को वायरल कर देता है। तो ये बहुत ही एम्बैरसिंग चीज है कि पर्सनली भी मैं बता रहा हूं, मैंने आज तक जितने मरीजों की मदद की है, और मैं जरूरी नहीं समझता कि कभी भी उसकी मदद करते हुए की फोटो डाला जाए या मदद करने वाले की किसकी मदद की उसका फोटो डाला जाए और मरीज की फोटो डाला जाए, या मेरी ये कोई नियत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मदद करना किसी की, ये दिल से मदद किया जाता है और ऊपर वाला देता है, इसका रिजल्ट ऊपर वाला देता है। हम लोग को ये हीरो नहीं बनना, हम लोग हीरो नहीं, हम लोग बस एक जरिया है, जो भगवान अगर किसी को कुछ देना चाहता है तो हम लोग बस माध्यम बनते हैं, हम लोग के हाथों से उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच जाता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएं और कोई, आप एक कोने में खड़े हो जाएं और एक बार ध्यान से देखें कि यदि कोई मरीज ऐसा आपको दिखता है जो अपनी जान बचाने वाली आकस्मिक दवाओं तक को खरीदने में सक्षम नहीं है, और आप धीरे से जाएं उसको 500 की या जितनी आपकी सक्षमता है, आप शांति से उसको वो दवाई खरीद के दे के और चले जाए वहां से, आप यकीन मानिए आपको बहुत सुकून मिलेगा, और बहुत सुकून मिलेगा और बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। तो मेरा बस आप लोगों से ये कहना है कि यदि आप किसी के हेल्प करते हैं, या किसी को खाना खिलाते हैं, या किसी को दवा देते हैं, या किसी भी तरह की मदद करते हैं, तो उसकी फोटो और वीडियो बना बना के इतना वायरल मत करिए कि उस तक पहुंचे तो उसको बहुत ही एम्बैरेसमेंट हो और उसको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे कि हर जगह उसी की वीडियो चल रही है, उसको खाना खाते हुए और उसको कुछ सामान पाते हुए। तो मेरी आपसे बस ये अपील है अपने ऑडियंस से कि आप किसी की भी मदद करिए, और जितनी भी सक्षमता है, अगर आपकी 2 रुपए की सक्षमता है, 10 रुपए की सक्षमता है, 100 रुपए की है, 1000 रुपए की है, जितनी भी है, तो आप उसको दिल से करिए और धीरे से करिए। ये बस भगवान देखता है, ये बातें बस भगवान और आपके बीच में होनी चाहिए। और मैंने भी, जैसा कि मैंने बताया, मैंने भी कई सारे मरीजों की बहुत मदद की है, और लेकिन जिसका आज तक ना मुझे नाम पता है और ना ही मेरे पास फोटो है उन मरीजों की। तो आप लोग से यही कहना है कि बस भगवान और आपके बीच में होना चाहिए ये, अगर आप किसी की मदद करते हैं। ये बात मेरी जरूर आप लोग अपने जीवन में उतारिएगा। हर व्यक्ति से आदमी कुछ ना कुछ अच्छा सीखता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी बातें कि मैं सिखा सकूंगा और आप सीखेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।